हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT365 अपडेटेड मटेरियल के बारे में। हमने लास्ट टाइम 4.3.7 तक कंप्लीट कर लिया था, मिवाकी टेक्निक ऑफ अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। पूरी प्लेलिस्ट है PT365 अपडेटेड मटेरियल 1 के नाम से, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे 4.3.8 कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान से और पूरा फिनिश करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आपका कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान से, CZMP। रिसेंटली एक ड्राफ्ट निकला है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है गोवा में। यहाँ पे ये ड्राफ्ट में CZMP क्रिटिसाइज हो रहा है लोकल्स के द्वारा, इन्वायरमेंटलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये रीजोनिंग कर रही है बीच एरियाज का और अकोमोडेट कर रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का। ये प्रिपेयर किया गया है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा, NCSCM चेन्नई में है। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर। अगर बात करें कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान की, तो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंडर आता है नोटिफिकेशन 2011 का, जहाँ पर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट करती है प्रिपेयर करने के लिए CZMP। ये आइडेंटिफाई करती है, क्लासिफाई करती है CZ एरियाज़ को। और अभी CRZ का जो नोटिफिकेशन 2011 का था, जो कि आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, उसने डिक्लेयर करा है कोस्टल स्ट्रेच ऑफ कंट्री और इंडिया का टेरिटोरियल वाटर, जो एक्सक्लूड करता है अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड SCRZ। और क्या है इसका एम, सिंपल है कि ये सिक्योर करता है लाइवलीहुड फिशिंग कम्युनिटीज़ का और बड़े सारे लोकल कम्युनिटीज़ जो कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं। कंजर्वेशन प्रोटेक्शन देता है कोस्टल स्ट्रेचेस को, उनके यूनिक एनवायरनमेंट मरीन एरिया को प्रमोट करता है डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनर में। ये रिस्ट्रिक्ट करता है सेटिंग अप और एक्सपेंशन जो किसी भी इंडस्ट्री का हो, ऑपरेशन या मैन्युफैक्चर, हैंडलिंग या स्टोरेज या किसी तरह से डिस्पोजल ऑफ हजार्डस सब्सटेंस CRZ एरिया में। 2018 का जो CRZ नोटिफिकेशन है वो रिवाइव हुआ था और अनाउंस करता है एक्टिविटी कोस्टल रीजन में, और ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ और ये आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर भी बात करता है जो कोस्टल रीजन के है। यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसमें देख सकते हो। इसमें डिवीजन भी हो रखा है 1, 2, 3, 4 कैटेगरी में। तो पहला देख लेते हैं, ए में आपका इको सेंसिटिव एरियाज है, तो CRZ 1 आप देख सकते हो, 1A यहाँ पे है जहाँ आप देख सकते हो, ये है इको सेंसिटिव जोन। सेकेंड है आपका जो है CRZ 1B, ये है इंटर टोडल एरिया, तो बी ए के आगे ही है ये, जो आप देख सकते हो इमेज में अभी क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा। इसके अलावा CRZ 2 जो है एरिया जो डेवलप होगा और एक क्लोज रहता है शोर के पास, मतलब किराने के पास है बहुत, तो आप देख सकते हो CRZ 2 यहाँ पे आप देखो शोर के पास ये है। उसके अलावा CRZ 3A इन एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो रहती है 2161 स्क्वायर किलोमीटर पर 2011 सेंसस का, तो ये आप देख सकते हो थर्ड ए का, आपका थर्ड ए ये रहा, ठीक है, जो आप देख सकते हो इमेज में क्लियर हो गया होगी अब तक। इसके अलावा बी में एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लेस देन 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर रहती है और 2011 का सेंसस पे रहती है, ठीक है, तो आप देख सकते हो बी वाला इससे थोड़ा आगे है अलेन से, ए के पास ही है आप देख सकते हो। फिर है आपका फोर्थ ए और फोर्थ बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ ए में ही बात करूँ तो 12 नॉटिकल माइल्स जो है फ्रॉम द लो टाइड लाइन टुवर्ड्स द सी रहते हैं, और बी की बात कर लेते हैं तो टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज है। तो 4A और बी सिंपल है, ए थोड़ा आगे है 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, लो टाइड पे रहती है और हाई टाइड पे आपका बी रहता है, ठीक है। इसके अलावा NDZ जो है वो 50 मीटर्स रहता है फ्रॉम हाई टाइड लाइन CRZ
3 एरिया में और 200 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन सीआर जेड बी से एरिया में। तो एनडीसी देख सकते हो, एनडीजेड देख सकते हो। यहाँ पे जो दूसरी न्यूज है वो है फ्लोरा एंड फौना जो न्यूज में रहे थे। तो वीनस फ्लाइट ट्रैप है, इसका साइंटिफिक नेम है दियानो मुसीपुला। रीसेंट स्टडी जो जर्मनी में हुई है उन्हें ये पाया है कि वीनस फ्लाई ट्रैप जो है डायनो वो मसीपुलर प्लांट है जो केपेबल है जनरेटिंग स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ये प्लांट्स भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल जो ट्रिगर करते हैं क्लोजर ऑफ देयर ट्रैप्स ताकि वो कैच करें इंसेक्ट जिसका नाम है इंसेक्ट को किसी प्रकार के बोल सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है जिस फिनोमेना को बोलते हैं वो है बायो मैग्नेटिज्म। वाइल जो लीफ स्टॉक है या पीटॉल है वो एक्साइटेबल नहीं है और ये इलेक्ट्रोलिकली इंसुलेटेड होते हैं ट्रैप से। मैग्नेटिक सिग्नल्स जो आते हैं प्लांट्स में वो वीक होते हैं और बड़े डिफिकल्ट होते हैं मेजर करने के लिए, पर जो नई टेक्नोलॉजी है एटॉमिक मैग्नेटोमीटर्स है वो मेजर कर लेते हैं एम्पलीट्यूड अप टू 0.5 पीको टेस्ला जिसका आपका मिलियन ऑफ टाइम्स वीकर होते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है लंतारा कैमरा। रीसेंट स्टडी हुई है, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं पता। लंतारा कैमरा एक ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है जिसने इन्वेट करा है मोर देन 40% इंडिया का टाइगर रेंज को। तो लंटारा एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड 10th वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज़ है। इन्वेसिव स्पीशीज़ इनको नहीं पता, वो ऐसी स्पीशीज़ जो वहाँ नहीं पाई जाती पर बाहर से आके उस जगह को तबाह कर देती है अपना डोमिनेंस बना के। तो ये कम्प्लीटली इसमें लिखा है कि नेटिव प्लांट्स को हटा देती है और ये ऑल्टर कर देती है न्यूट्रिशन साइकिल सॉइल में। ये टॉलरेट कर सकती है आपका हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर को। यहाँ पे ये भी है इफ़ ईटन ये लीव्स एलर्जी ला सकती है कुछ एनिमल्स में, कुछ केसेस में एक्सट्रीम फीडिंग लंटना में अगर लंटना ज़्यादा खाते हैं श्रब जो है ये इसकी वजह से एनिमल्स में डायरिया लिवर फेलियर और डेथ तक ही हो सकती है। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैंड्रीना डक। ये इम्पोर्टेंट बर्ड है, एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि रशिया में ब्रीड करती है, कोरिया जापान और चाइना में। दो ये थ्रेटेड नहीं होती बट ग्लोबली ये बहुत रेयर स्पीशीज मतलब रेयर अपीयरेंस है इनका। ये स्पॉट हुई है मगोरी मोतापंग वेटलैंड में जो असम में है और ये लोकेटेड है आपका डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क में। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है जो डिक्लेयर करा गया है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे कोलाकंद है, रिसेंटली फॉसिल मिले हैं कोलाकंद के जो डिस्कवर हुए हैं। एक जाइंट फिश थी जो डायनासोर से भी पहले की थी। अगर बात करें इसका ईयर की तो यहाँ पे 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये क्रिटेशियस एरा की। कोलाकंद फर्स्ट इवॉल्व हुई थी 400 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि 200 मिलियन बिफोर द डायनासोर। और ये बिलीव कराया जाता है कि वह एक्सटेंट हो गई थी बट 1938 में एक लिविंग कोकोलैंड फाउंड हुआ साउथ अफ्रीका में, तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है ये। यहाँ पे अगर बात करें हिमालयन शेरो को तो फर्स्ट हिमालयन शेरो स्पॉट हुआ है असम के मानस टाइगर रिजर्व में MTR। पहले ही स्पॉट हुआ था हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में। कुछ स्पीशीज है शेरोज की जो पाई जाती है एशिया में। हिमालयन शेरोज हर्बीवोर्स हैं और टिपिकली पाए जाते हैं जिसका एल्टीट्यूड 2000 मीटर से उससे ज़्यादा का हो, 4000 मीटर तक। बात करें इसकी प्रोटेक्शन की तो ये शेड्यूल 1 पे आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971। वनरेबल है इसका IUCN स्टेटस। MTR नाम इसे पड़ा है मानस रिजर्व, मानस रिवर है वहाँ पे इसलिए मानस टाइगर रिजर्व है और एक कंटिजियस रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ है जो है भूटान में। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है थ्री बैंडेड
रोज फिंच। तो साइंटिस्ट जो बॉम्बे नेशनल नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने रिकॉर्ड कर रहा है प्रेजेंस नई बर्ड का, जिसका नाम है थ्री ब्रांडेड रोज फिंच ईस्टर्न हिमालय में, और ये इंडिया का एवियन बायोडायवर्सिटी काउंट के बात करें तो टोटल 1340 स्पीशीज़ हैं। ये इनका पाया जाना ज़्यादातर देखा जाता है कॉनफेरियस फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली कॉनफेरियस में पाए जाते हैं, जो कि सेला पास में है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय वही अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा। BNHS मतलब बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1883 में। इसका काम यही है कंजर्वेशन करना नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचर का, और ऑर्गेनाइज करना एजुकेशन एक्टिविटीज़ और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कुछ नई स्पीशीज जो डिस्कवर हुई है इंडिया में। दो नई एगल सीडवीड स्पीशीज डिस्कवर हुई है इंडिया की कोस्ट लाइन में। हाइपनिया इंडिका डिस्कवर हुई है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में, और सोमनाथ पाठन है और शिवराजपुर है गुजरात में। इसके अलावा हाइपना बुलाटा डिस्कवर हुई थी कन्याकुमारी और दीव आइलैंड जो दमन दीव में, उसमें ये ग्रो होती है इंटर टाइडल रीजन में सी के। और नई बटरफ्लाई भी पाई गई है जिसका नाम बहुत डिफिकल्ट है, मैं ट्राई करता हूँ उसको ब्रेक करने का। नकु दबा सिन्हा रामास्वामी सदाशिवन, ये डिस्कवर हुई है अगस्त्यमाला में जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है प्रोटेक्टेड एरिया से आ रही है हमें न्यूज़। इसमें हम देखेंगे एरिया वाइज कि कौन कौन से स्पीशीज या कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कवर करेंगे जो लोकेटेड है आपका न्यूज़ में रही थी। पहला गोवा से आ रहा है, गोवा में एक है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न आ रही है। यहाँ पे सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट ने रेड फ्लैग दिया है गोवा के रेल प्रोजेक्ट को, मतलब रोका है, कह रहे हैं कि गोवा का रेल प्रोजेक्ट जो है कट कर रहा है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क MNP। अब इसकी बात करें BMWS, ये लोकेटेड है फुट हिल्स पे वेस्टर्न घाट्स की, और लार्जेस्ट गोवा गोवा की फोर्थ प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज है जिसमें ये MNP के अंदर आती है। ये होमेज है टू फेमस दूध सागर वाटरफॉल और डेवल्स कैनो। फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। फौना की बात करें तो डियर, सांबर, स्पॉटेड डियर, हॉग, माउस डियर, बार्किंग डियर, टाइगर, लेपर्ड बहुत सारे हैं। इसके अलावा फ्लोरा की बात करें, कुछ प्राइमरी स्पीशीज़ है जैसे तरमीनिलिया, लागेस्त्रोमिया और जाइलिया डल वगरिया। गुजरात की बात करें, यहाँ पे शेत्रंजय हिल्स है जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, इम्पोर्टेंट है गुजरात में। ये एक हैबिटेट है एशियाटिक लॉयंस। गुजरात में एक और गिर नेशनल पार्क है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तो वहाँ पे भी एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। तो शतरंजय हिल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। लियो लिपर्ड्स भी हैं यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है, और हबीवॉरस भी है जैसे ब्लू बेल्स है भावनगर में गुजरात में। ये फॉरेस्ट एक पैच है हिल का, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का। शतरंजी रिवर फ्लो करती है इस एरिया में, रिवर इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे शतरंजय महातीर्थ पलिताना टेम्पल है जो बिल्ड हुआ था इस हिल में, और ये बहुत सेक्रेड माना जाता है जैन कम्युनिटी में। केरला की बात करें, बिल्कुल नीचे साउथ में, तो यहाँ पे है वेम्बनाड लेक। प्राइम मिनिस्टर की मन की बात ने लॉडेड करा है केरला के फार्मर को जो क्लीन कर रहा है, मतलब प्रेस कर रहा है वेम्बनाड लेक। ये लार्जेस्ट लेक है केरला में और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरला की लार्जेस्ट है और लंबाई वाइज मतलब लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। ये लेक आपने बहुत मूवी पे देखी होगी, यहाँ पे बहुत सारा रेस होती है जैसे जो फेस्टिवल होता है,
केरला में वल्लमकली जिसे बोलते हैं, ये एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, जिस जो एक स्नेक बोट रेस है, हर साल होती है इस लेक पे। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है कि ये वेटलैंड में आता है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का, रामसर कन्वेंशन के अंडर। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है इसके ईस्ट कोस्ट ऑफ लेक में। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो सेकंड टाइगर रिजर्व है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर ने एक कंसर्न रेज करा है इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटिज्म। पहले इससे हमने देखा है ओडिशा में सिंपल सिमीपाल रिजर्व में यही सेम चीज़ हुई थी। बांधवगढ़ का लोकेशन आपका मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन ये फैला हुआ है विद्यान हिल्स पे। फौना की बात करें तो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपोग्राफी वाइज ये स्टीप रिजेस पे है, अनड्यूलेटिंग फॉरेस्ट और ओपन मीडियोस में। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नॉन काइलिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट बैम्बू ड्वेलिंग बैट विद स्टिकी डिस्क है, और ये देखा गया है नॉन काइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोनाउंसिएशन इसकी शायद गलत हो सकती है। ये सेंचुरी लाई करती है राय बॉय डिस्ट्रिक्ट मेघालय में, और ये प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है नॉर्थ ईस्ट का। ये ईस्टर्न हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और रिवर जो ड्रेन होती है, जो स्टार्ट होती है यहाँ से, वो सारी यू से स्टार्ट होती है, उमरान, उमिंग, उम फुर उमरातु। ओडिशा में करापात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओडिशा की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 एलिफेंट मर गए हैं ये डिजीज़ की वजह से, जिसका नाम है हेमोमोरहिक सेप्टिकेमिया। प्रोनंसिएशन रॉन्ग हो सकती है, एक बार आप चेक कर लो ना। ये लास्ट 14 डेज में हुआ है सेंचुरी में, मतलब जून की न्यूज़ है, तो आप समझ सकते हो। ये जो डिजीज़ है कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो इन्फेक्ट करती है एनिमल्स को, और ये तब होती है जब आप कांटेक्ट पे आते हो कंटेमिनेटेड वाटर या सॉइल के। ये जो सेंचुरी है ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा की करापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। फौना की बात करें, लेपर्ड है, गौर है, सम्बार है, नील गाय है, बार्किंग डियर है, ओटावा है, माउस डियर है, सॉफ्ट क्लॉज ओटावा। यहाँ पे वाटरफॉल जो लोकेटेड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है फुलीर झरना, जो इसके बहुत क्लोज है। ओडिशा में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। इसमें क्लोजर है टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट में। टाइग्रेस ओडिशा सतकोसिया रिजर्व कोई कंपेनियन नहीं है। सतकोसिया की बात करें, यहाँ एक मैग्निफिकेंट गॉर्ज है जो बनता है आपका रिवर महानदी ओडिशा में। ये कंप्राइज करता है 2 एडजेसेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी और बेस फली सेंचुरी। सतकोसिया एक मीटिंग पॉइंट है 2 बायोजोग्राफिकल रीजन का, एक है डेक्कन पेनिनसुला और एक ईस्टर्न घाट का, जो कंट्रीब्यूट करते हैं इमेंस बायोडायवर्सिटी। तो दो मेजर चीज़ है यहाँ पर, डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट्स। सिम्फालिया बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपका ओडिशा में है, ये लोकेटेड है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की, ईस्टर्न और ईस्टर्न घाट पर रहती है। ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। कंप्राइज करती है सिंपली सेंचुरी की, जो कोर और बफर टुगेदर में आता है, और एडजोइनिंग इसमें नाटो एंड सतकोशी रिजर्व फॉरेस्ट भी है, जो एडिशनल बफर क्रिएट करते हैं। इसका जो नाम है वो ड्राइव होता है सिमुल, वो है सिल्क कॉटन ट्री, और ये इंक्लूड है यूनेस्को की क्रिटिकल बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में, जो कि वर्ल्ड की है। ये लार्जेस्ट जोन है साल इन ऑल इंडिया। फौना यहाँ पे ब्लैक पैंथर्स है, फोर हॉर्न एंथ्रोपोल है जिसे काउस सिंघा भी बोला जाता है, टाइगर है, एलिफेंट है, स्क्विरल है, मगर क्रोकोडाइल है। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नेम है, एरी और ताइना, जो भी है आप पढ़ लो ना इसको। एंडेमिक है ये, मतलब उसी जगह पाए जाते हैं।
ट्राइब्स की बात करें, यहाँ पे कारिया है, बोमजी है, बथुड़ी है, कोला, गोंडा, संथल और मन खाड़ी। अब बिल्कुल साउथ में जा रहे हैं हम, तमिलनाडु में। यहाँ पे एक रिज़र्व है जिसका नाम है श्री विल पुत्तूर मेघमालिया टाइगर रिज़र्व। ये रिसेंटली श्री विल पुत्तूर मेघमालिया टाइगर रिज़र्व, इसका प्रोनाउंसिएशन हम देख लो ना, तमिलनाडु में सब सेंटर ने अप्रूव करा है। ये इंडिया का 51st टाइगर रिज़र्व है जो कि इंकम्पास करता है मेघमलाई और श्री विल्लुपुत्तूर ग्रिजेल स्कुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कौन से टाइगर रिज़र्व है तमिलनाडु में? कालाकट मंदनतुरई, अनुमलाई, मधुमलाई और सथिया मंगलम। मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेनी मदुरई। हाईवेज माउंटेन्स है कार्डामन हिल्स का और श्री विल्लुपुत्तूर ग्रिजेल स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करता है केरला के परैयर टाइगर रिजर्व में। फौना की बात करें, मेघमलाई होस्ट करता है अनगल्टेड, इसका मतलब है हूफ्ड मैमल्स, स्पॉटेड डियर्स, इंडियन गॉर्स और वाइल्ड बोर्स। श्री विल्लुपुत्तूर होस्ट करता है ग्रिजल जाइंट स्क्वायरल को, फ्लाइंग स्क्वायरल को, लेपर्ड्स और नीलगत्रा। बहुत सारे एनिमल्स हैं यार यहाँ पे। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, पहाड़ में आ जाते हैं बिल्कुल, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। रिसेंटली कुछ पोर्शन है नंदा देवी ग्लेशियर का जो ब्रोक हो गया था जोशीमठ उत्तराखंड में, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी वजह से एवलांच आ गया था अलकनंदा रिवर सिस्टम में। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर जो कि लाया करता है नंदा देवी सेंचुरी में, प्रोटेक्ट करता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। समझ लेते हैं नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर क्या है। ये क्लस्टर ऑफ ग्लेशियर है जिसका नाम है बेतारतोली, कुरुनतोली, नंदा देवी नॉर्थ, नंदा देवी साउथ, नानका देवी, रौनत बैंक, दक्षिणी ऋषि बैंक, त्रिशूल जो कि फॉल करता है अपर ऋषि गंगा कैचमेंट पे और सेंट्रल हिमालय पे। ग्लेशियर ड्वेल होता है नंदा देवी पीक में, जो कि सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया मतलब कंट्री में आफ्टर कंचनजंगा। नंदा देवी पीक फॉर्म करती है एक पार्ट ऑफ गढ़वाल हिमालय। जो मेल्ट वाटर रहता है नंदा देवी ग्लेशियर का, वो बहुत सारे स्ट्रीम्स बनाती है जिसकी वजह से रिवर फॉर्म होते हैं। वाटर जो फर्स्ट फ्लो करता है वो ऋषि गंगा रिवर से होता है, जो बाद में धौली गंगा में मर्ज हो जाती है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं, ये कोर एरिया है नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर्म करती है। ये इनकपास करती है नया एक ट्रांजिशन जोन जो माउंटेन रीजन पर आता है, जंस्कर और ग्रेट हिमालय। बायोस्फीयर रिजर्व में रिजर्व फॉरेस्ट आता है, एनवा सोयम आता है सिविल फॉरेस्ट, पंचायत फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड, ग्रासी स्लोप्स, अल्पाइन मेडियोस, स्नो कवर्ड एरियाज। फौना की बात करें, सेवल इम्पॉर्टेंट मैमल स्पीशीज़ है जो रेफ्यूजी पाते हैं इस एरिया में, जिसो की है स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस डियर और ब्लू शिप। लोकल कम्युनिटीज़ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दो एथनिक ग्रुप्स हैं, इंडो मंगोलियाइड भूटिया एंड इंडो आर्यन। नेक्स्ट है आपका देवासारी रीजन, ये तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज है साइट ऑफ उत्तराखंड। ये बहुत रिच है बायोडायवर्सिटी में और इको टूरिज्म के लिए भी। लास्ट ईयर यहाँ पे एक रेयर डे फ्लाइंग मॉथ देखा गया जिसका नाम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है जो आप पढ़ सकते हो। स्पॉट हुआ था इन फॉरेस्ट में देवासारी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करें तो ये एक यूनिक इकोलॉजिकली फ्रजाइल इकोसिस्टम है जहाँ पे बायोडायवर्सिटी रिच होती है। इसमें कॉम्पोनेंट जैसे स्पीशीज रिचनेस है, हाई एंडेमिज्म है, प्रेजेंस ऑफ रेयर एंडेमिक थ्रेटन स्पीशीज हैं और यहाँ पे पास एमिनेंट बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स है जैसे फॉसिल बेड्स है। ये बायोडायवर्सिटी एक्ट के अंदर आते हैं 2002, जो स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि कंसल्ट करना चाहिए लोकल बॉडीज़ को अगर वो नोटिफाई कर रहे हैं कोई भी एरिया बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस का BHS का। करंटली 18 BHS है इंडिया में। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात कर लेते हैं
तो हम वही समराइज कर रहे हैं, बस ये मैप पे देख रहे हैं ताकि जितना भी हमने पढ़ा है वो दिमाग में रह जाए। तो हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, उत्तराखंड से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, देवसारी रीजन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रजी टाइगर रिजर्व, ठीक है, सारे उत्तराखंड में। और उसके बाद उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की लोकेशन आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल के बहुत पास है। यहाँ पे करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतकोसी टाइगर रिजर्व है और सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है। असम की बात करें तो असम देख सकते हो आप, यहाँ पे दो है, मानस नेशनल पार्क और पिबोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और भी है लेकिन न्यूज़ में जो है हमने दो पढ़ी है। फिर मेघालय आप देखो तो इसी के पास है नीचे में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे चिकन नेक के पास है आसाम, उसके नीचे है जस्ट छोटा सा मेघालय, कंपैरिजन वाइज बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे है आपका नोंग काइलिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे दो है न्यूज़ में, एक तो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और एक है कान्हा टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में जो हमने देखा हुआ है श्री विल्ला पुत्र मेगा मलाई टाइगर रिजर्व। उसके बाद केरला में जो लेक का हमने पढ़ा था, जो क्लीन कर रहा है बंदा, वेम बंडन लेक। फिर आपका ऊपर जाऊँ तो गोवा बहुत ही वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर गुजरात पे आपका जो जिला है वो है शेतरंजय हिल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। इसी के साथ ही हमारा सारा कवर हो जाता ही है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट का अदर कंजर्वेशन मेजर में, तो पहला है इंडिया का फर्स्ट सेंटर है वेटलैंड का, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, CWCM। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस्टेब्लिश करा है इंडिया का फर्स्ट सेंटर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि हुआ है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे पे। ये CWCM एक पार्ट है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोस्टल मैनेजमेंट का, जो चेन्नई में है। ये एक इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कहना रहता है। इसका रोल सिंपल है कि एड्रेस करता है स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स, नॉलेजेबल गैप्स, कंजर्वेशन मैनेजमेंट वेटलैंड्स की। ये एड करता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में काम करती है। ये सर्व करता है एज अ नॉलेज हब, जो इनेबल करता है एक्सचेंज बिटवीन स्टेट और यूटीज और वेटलैंड अथॉरिटीज़ का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है चिपको मूवमेंट। रिसेंटली रेनी विलेज जो हो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, वो एक बर्थ प्लेस है चिपको मूवमेंट का, आप सभी को पता है, जिसने रेवेज करा है आपका रिसेंट ग्लेशियर आउटबर्स्ट जो हुआ है उत्तराखंड में। चिपको मूवमेंट आप सबको पता है 1973 में हुआ था, नॉन वायलेंट एग्रीटेशन था अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज, जो कॉन्ट्रैक्टर ने करा था। चिपको मूवमेंट इनिशिएट करा गया था, ये इम्पोर्टेंट नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा, 1973 में हुआ था। फर्स्ट अपील जो आई थी 15 ईयर्स की बैन आई थी चॉपिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज 1980s में, बहुत ही सक्सेसफुल था ये। जो नेम आता है चिपको वो आता है आपका वर्ल्ड एम्ब्रेस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सिंपली क्या हुआ था, जो विलेजेस हैं उन विलेजर्स हैं उनने ट्री को गले लगा लिया था, और इससे क्या हुआ था, उन्हें इंस्ट्रगल कर दिया था ताकि कोई उसको काट ना पाए, अगर काटेंगे तो उनको भी मतलब वो भी मर जाएंगे, तो इवेंचुअली ह्यूमन राइट वायोलेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बैन लगा दिया कि हम नहीं काटेंगे, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। मूवमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा रिमेम्बर कराया था कि यहाँ पे कलेक्टिव मोबिलाइजेशन थी स्पेसिफिकली मूवमेंट की, जो कि बहुत आगे आई और उन्होंने प्रिजर्व करा फॉरेस्ट को, और वो चेंज लाए विद द एटीट्यूड ऑफ वुमेन टुवर्ड्स द सोसाइटी। चैम्पियंस कौन थी इस मूवमेंट की, जो लोकल वुमेन थी वो है गौरा देवी, सुदेशी देवी और बचनी देवी, तीनों देवी। चिपको मूवमेंट ने फॉलो करा था गांधीयन फिलोसफी पीसफुल रेजिस्टेंस की, और ये बहुत सक्सेसफुल भी माना गया था, जिनने बचाया था एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय होने से पहले। हाइवर जो ओरिजिनल चिपको आंदोलन था वो 18वीं शताब्दी में था, 18th सेंचुरी में था, स्टार्ट करा गया था बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की। ये ग्रुप ऑफ विलेजर्स थे जिसमें अमृता देवी थे, जो कि अपनी ज़िंदगी उन्हें गवा दी ट्री को बचाने में, ठीक है,
और ये किससे बचा रही थी, किंग ऑफ जोधपुर के ऑर्डर से। इस इंसिडेंट के बाद जो किंग है उनने रॉयल डिक्री दी थी और बैन कर दिया था कटिंग ऑफ ट्रीज बिश्नोई विलेज में। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। लास्ट जो न्यूज़ है इसके बाद हम ओवर कर रहे हैं वो है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हैदराबाद सिटी चूज हुआ था अमंग 120 ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्बोर डे फाउंडेशन जॉइंटली। अर्बोर डे फाउंडेशन प्लस जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, उनने हैदराबाद को चूज़ करा था एज अ 123 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये रिकग्निशन सिटी की कमिटमेंट दर्शाती है टूवर्ड्स द ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट्री। और यहाँ पे इंडिया की ओनली सिटी है ये जिसको ये रिकग्निशन मिला, तो कितना सम्मान की बात है इंडिया के लिए। इसी के साथ ही ये न्यूज़ ओवर होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC राइजेस विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक्स।